कसम से बोल रहा हूँ कि पूरा मूड खराब हो गया। मतलब ब्रदर, ये वाली उम्मीद मैंने नहीं की थी, बट खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, 2-4 साल से जिस चीज का इंतजार था वो जाकर के कल पूरा हुआ। यानी कि भाई कल W2 वर्ल्ड को प्लेफिक्स के प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया गया, और आज की इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये सीरीज आपको प्लेफिक्स के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। टोटल 16 एपिसोड अवेलेबल है, लेकिन उन 16 एपिसोड को देखने के लिए आपको 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसकी हिंदी डबिंग कैसी है आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस सीरीज को अपनी फैमिली के साथ फॉलो कर सकते हो, बट अपने माइंड में एक चीज रखना कि इसमें आपको वायलेंस के साथ साथ किसिंग सीन देखने को मिलेंगी। तो देखो, इन केस भाई अगर आप इस सीरीज का बहुत टाइम से वेट कर रहे थे हिंदी में आने का, तो फाइनली ये आ तो गई है, बट क्या ये आपका टाइम डिजर्व करती है? आज की इस वीडियो में ज्यादा टाइम लेते हुए मैं आपको ये एग्जैक्टली बताने वाला हूं। अब देखो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कहानी का आइडिया दे देता हूं, जिनको सुनकर के वो लोग भाग जाएंगे जिनको सिर्फ कहानी सुनना था, बट जिन्हें जानना है कि सीरीज है कैसी वो मेरे साथ अंत तक रहेंगे। तो अगर इसकी कहानी की बात करें तो इसकी जो कहानी वो बेसिकली फॉलो करती है योनजो के कैरेक्टर को, जिसको आप कह सकते हो कि एक सर्जन है और अपने फादर के साथ रहती है। पूरी फैमिली भी है बट कुछ फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। बट एक दिन उसकी हंसती खेलती लाइफ उस टाइम बदल जाती है जब उसको कोई एक वेव टून में खींच लेता है। अब देखो, वो जिस वेव टून या आप कह सकते हो कॉमिक्स में गई है उसका नाम है W, और उस वेव टून को क्रिएट किया है उसके फादर ने। बट वहां पर जाने के बाद वो एक मर्डर मिस्ट्री में फंस जाती है जो कि एक्चुअली में रिलेटेड है उस वेव टून के हीरो यानी कि कैंग चुल के कैरेक्टर से। अब देखो भाई, वो मर्डर मिस्ट्री है क्या और जो कैंग चुल है वो किससे रिवेंज लेना चाहता है और उसको योनजू की जरूरत क्या है, इन्हीं सारे को जानने के लिए आपको इस W2 वर्ल्ड कोरियन ड्रामा को देखना पड़ेगा। अब देखो भाई, अगर मैं सिंपली आपके लिए इस सीरीज को डिफाइन करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि सीरीज बहुत ज्यादा शानदार है। क्या शानदार है? अगर मैं सबसे पहले उसकी बात करूं तो सीरीज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज्यादा दमदार है। यस भाई, सीरीज के कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा दम है, जिसकी वजह से ये आपको इसके एपिसोड 1 में ही कनेक्ट कर देगा और आप जानने के लिए आगे एक्साइटेड हो जाते हो कि जो W है उसके साथ आगे होगा क्या। नेक्स्ट चीज, इस कॉन्सेप्ट में फिक्शनल टच मार करके जो आपको कहानी प्रेजेंट की गई है कैंग चुल की, वो भी काफी जबरदस्त है। इस कहानी में आपको इतने ज्यादा लेयर्स, मिस्ट्री, सस्पेंस देखने को मिलती है जिसकी वजह से ये आपको हिलने नहीं देती। इवन भाई, ये कहानी आपके लिए सस्पेंस और मिस्ट्री की वजह से ही काम नहीं करती, बल्कि इस कहानी में जो आपको रोमांस, ड्रामा, मेलोड्रामा वगैरह वगैरह जो आपको देखने को मिलता है वो भी काफी बढ़िया है। रियलिटी और वेबटून के वर्ल्ड को सेपरेट करने के लिए जिस हिसाब से डायरेक्टर ने अपने माइंड को यूज करके उन चीजों को प्रेजेंट किया है उसको भी देख करके आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छी है और जो आपको कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं उनकी जो कैरेक्टर आर्क आपको देखने को मिलती है और उनमें जिस हिसाब से आपको ट्विस्टेड एंगल देखने को मिलते हैं वो भी आपको इसके साथ बांध के रखेंगे। बाकी एक चीज मैं आपको बताता हूं कि सीरीज बहुत ज्यादा पुरानी है बट इसकी जो प्रोडक्शन वैल्यू है वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। लेकिन इन सारी चीजों को हटा करके अगर भाई बात करें मुद्दे की कि इसकी हिंदी डबिंग कैसी है, तो बस मैं इतना ही बोलूंगा, बस कट गया। यस भाई, सीरीज की जो हिंदी डबिंग है वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। आप इससे अपना काम चला सकते हो बट चीजों को फील नहीं कर सकते, बट कोई बात नहीं, आप अपने माइंड में ये भी चीज रखो कि हर कोई नेटफ्लिक्स नहीं हो सकता। एनीवे, इस सीरीज को देखने के लिए आपको इसकी हिंदी डबिंग के साथ भाई बहुत ज्यादा एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके हिंदी डबिंग के साथ साथ और भी आपको सीरीज में प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी, जैसे सीरीज का जो स्क्रीन प्ले वो आपको हमेशा एंटरटेन नहीं करेगा, बीच में आपको अच्छा खासा बोर करेगा। इवन जो सीरीज की कहानी उसको बहुत ज्यादा खींचा गया है जिसकी वजह से ये आपको धीरे धीरे करके बोर भी करती है। बट वही चीज की अंत भला तो सब भला, यानी कि सीरीज के जो 4-5 लास्ट के आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे वो आपका फिर से अटेंशन ग्रैब कर लेते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो बस मैं इतना ही बोलूंगा कि यस भाई, ये सीरीज आपका टाइम डिजर्व करती है, क्योंकि इस सीरीज में आपको एक फिक्शनल स्टोरी देखने को मिलेगी और उस फिक्शनल स्टोरी में आपको एक्शन, ड्रामा, रोमांस, केमिस्ट्री, कॉमिक टाइमिंग मतलब ह्यूमर्स वगैरह वगैरह आपको काफी बढ़िया तरीके से प्रेजेंट करके दिखाए गए हैं, जिसको अगर आप देखते हो तो इसकी मिस्ट्री सस्पेंस की वजह से इसको बहुत ज्यादा आप एंजॉय करोगे। लेकिन एक चीज बता देता हूं कि इस सीरीज का आप पूरा 100% मजा लेना चाहते हो तो जैसे मैंने इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखा था, तो मन करेगा तो आप भी सबटाइटल के साथ ट्राई मार लें। बाकी सीरीज को मैं ओवरऑल जज करते रेट करूंगा 8/10 स्टार। तो अगर आपने इसको देखा है तो अगर मैं कि आपको W2 वर्ल्ड की हिंदी डबिंग कैसी लगी और आपने इस सीरीज को कितना एंजॉय किया था, और अच्छी लगी हुई तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के शेयर कर देना। मैं फिर से मिलता हूं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय।